लाइफ प्रोसेसेस, जब भी आप जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म कर पाएगा जब वो उसके पास एनर्जी होगी, और एनर्जी हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, एनर्जी जो है वो हमें न्यूट्रिशन से ऑब्टेन हो रही है, जो भी फूड हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में अभी पढ़ेंगे इसमें डिटेल में कि किस तरह से ये जो फूड है जस्ट ये फूड डायरेक्ट हमें एनर्जी दे देता है या फिर पूरा हमें एक प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है जिसके बारे में हमें पता चलेगा कि उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है वो पूरी स्टोरी आज आपको पता चलेगी कि किस तरह ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन हम लोग जो फूड ऑब्टेन कर रहे हैं वो किस तरीके से हमें जो एनर्जी है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड हमारी बॉडी को करवाएंगे। उसके बाद इसको हम और ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स लेंगे और सब में देखेंगे कि सबके अंदर क्या इतना ही कॉम्प्लेक्स होता है डाइजेशन और ये पूरा प्रोसेस जो होगा फूड से डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला, या फिर सब में थोड़ा 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 अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों का ये एक रिवाज मान लीजिए कि हम लोग जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वहां पर सबसे पहले हम स्ट्रेस किस पे देते हैं, जो टर्म है उस चैप्टर का जो टॉपिक है उसके नाम को डाइसेक्ट करते हैं और उसका एक एक मीनिंग निकालते हैं। तो यहाँ पर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन हमने प्लांट्स में भी बात की थी तो वहां पर भी एक पूरी स्लाइड किस पर डेडिकेटेड थी, न्यूट्रिशन पे थी, बहुत अच्छे से समझा था। लेकिन जिसको याद नहीं है तो वहां पर यहाँ पर हम लोग फिर से न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और बात करते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन वही है, कोई भी प्रोसेस क्या है न्यूट्रिशन। और एक और टर्म आती है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये दो टर्म आपको जितनी अच्छे से क्लियर हो जाए उतना बेहतर है। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपकी बॉडी ओब्टेन करती है और वो इन रिजल्ट आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और आपके ग्रोथ में हेल्प करते हैं और आपके जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पर बात की न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस हैं जिनको ऑब्टेन करने से आपको ये सब मैंने जो कहा उस प्रोसेस, जैसे न्यूट्रिशन वो प्रोसेस था जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आप ऑब्टेन करोगे और आपको एनर्जी वगैरह मिलेगी। और न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे और आपके लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एनिमल और प्लांट जो होते हैं फूड सब्सटेंस से ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड के अंदर, जो भी खाना आप खाते हो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है ये हमने कल भी, मतलब जो स्लाइड थी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो फर्स्ट स्लाइड थी अगर आपको याद हो तो वहां पर भी हमने ये फोकस किया था कि मेन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं फूड में, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो आपकी मतलब जो प्रॉफिट है आपको जो फायदा मिलने वाला है वो प्रोवाइड करेंगे। तो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिंस, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि क्लोराइड आयन हो गए, सोडियम आयन हो गया। तो ये सारे अलग अलग तरह के, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में यहाँ पर अलग से इसलिए बताया क्योंकि जब हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात की थी तो वहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स का जिक्र नहीं किया था। ये सारे जो हैं इतने ज्यादा अमाउंट में हमें नहीं चाहिए होते जितने कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट चाहिए होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि कौन सा कंपोनेंट क्या चीज आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि वो बॉडी बिल्डिंग जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है, फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और विटामिंस, मिनरल्स ये जो हैं आपकी बॉडी में बैलेंस और आपके टिश्यूज और इनकी केयर करते हैं, ठीक है। थोड़ा भी अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता था कि आपको उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज हो जाती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक विटामिन होती है जिसका नाम है विटामिन सी, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी है तो आपके एक डिजीज होती है स्कर्वी, वो हो जाएगी, ठीक है। वहीं पर अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी भी हमारी मतलब एक विटामिन होती है
वो आपको सनलाइट से ऑब्टेन होती है। तो अगर आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा अच्छे से, तो क्या होगा, आपकी जो बोन्स है ना वो वीक हो जाएंगे, है ना, और आपको एक कंडीशन हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है, दैट इज रिकेट्स, वो हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग विटामिन होती हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको बीमारियां हो सकती हैं अगर वो आपकी बॉडी में एक जो अप्रोप्रिएट अमाउंट है उस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहा भी जाता है कि जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, जो न्यूट्रिशन आप ऑब्टेन करोगे फूड से, तो उसमें आपकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। वर्ड आया बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि आप जो फूड खा रहे हो तो वो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता। ठीक है, हाँ, याद रखो आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो फूड टेस्टी लगता है हम उसको ज्यादा खाते हैं, और दूसरा फूड जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है लेकिन आपको वो इतना टेस्टी नहीं लगता, तो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स की जगह हमें चॉकलेट्स पसंद है, हमें जो फास्ट फूड्स हैं वो पसंद है, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं कि नॉर्मल जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनको खाने के लिए। तो ये प्रैक्टिस गलत है, क्योंकि हम जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं कि हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये सब एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है, तो जो फास्ट फूड होते हैं उनमें इतने जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। फैट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए स्पेशली ह्यूमंस के अंदर। तो उसमें जैसे यहाँ पर दिखाया है कि मिल्क हो गया, मिल्क से भी आपको बहुत सारे मिनरल्स हो गए, प्रोटीन वगैरह ये सब मिलती है। ठीक है, और फ्रूट्स वगैरह आपको अपनी डाइट में लेनी चाहिए। एक पूरी बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में एंटर करें, और जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और जो भी फंक्शन, जो भी न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के लिए, बार बार फंक्शन बता दिया है, याद हो जाना चाहिए। जैसे कि क्या क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारा जो लाइफ प्रोसेसेस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, तो वो अच्छे से कर पाएं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिलेगी, तो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट होगा तो क्या होगा, उससे हमारी सेल्स जो हैं वो अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, एनर्जी उन्हें अच्छे से ऑब्टेन होगी और वो अच्छे से काम कर पाएंगे। वहीं अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कोई डेफिशिएंसी होगी तो उससे आपको माल नरिशमेंट होने की वजह से आपके अंदर बीमारियां हो सकती हैं और भी सारी, और स्पेशली वीकनेस होना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ फिर से हमने कोशिश की फिर से क्लियर करने का कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं इनके, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंपोनेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस और न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस हैं जो आपकी बॉडी को जो भी एसेंशियल वर्क है वो करवाने में हेल्प करवा रहे हैं, है ना, और आपको ग्रोथ और इन सब में हेल्प कर रहे हैं। कंपोनेंट्स उनके बारे में कि कंपोनेंट्स क्या हैं वो भी अच्छे से आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसके आगे जब हमें ये क्लियर अच्छे से हो जाए, ये हम एक और टर्म मैंने यहाँ पर कोशिश की थी बताने की, वो थी बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपकी डाइट में अप्रोप्रिएट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, और किसका अमाउंट कितना होना चाहिए वो सब बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ग्रोथ है और आपकी जो एक हेल्दी बॉडी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, कोई भी डिफिशियंसी किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ना हो। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा फोकस किस पर है, एनिमल्स पर। ठीक है, तो हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन की बात जब हम कर रहे हैं एनिमल्स में, तो उन अलग अलग तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स का। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक में भी हम लोगों ने उसे अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो अभी हम जानेंगे कि ऐसा क्यों किया। हेटरोट्रॉपिक का तो मतलब है कि हम लोग किसी और पे डिपेंड हैं फूड ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन वो जो डिपेंडेंसी है हमारी वो वेरी करती है। ठीक है, हर एनिमल की वो डिपेंडेंसी वेरी करती है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपने बहुत सारे एनिमल्स ऐसे देखे होंगे जो कि डायरेक्ट प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रास खाना, जो आपने गोट देखी होगी तो वो घास वगैरह खाती है, काउज हैं वो खाती हैं प्लांट्स वगैरह, है ना, डियर जो हैं वो खाते हैं। तो एक ये हो गया। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स को खा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि टाइगर हो गया, तो टाइगर जो है वो डियर को खा रहा है। तो यहाँ पर प्लांट तो नहीं खा रहा, वो क्या खा रहा है, एक और एनिमल खा रहा है। तो यहाँ पर रिलेशन थोड़ा डायरेक्ट नहीं लग रहा है ना,
एक एनिमल पे दूसरा एनिमल डिपेंड है, ठीक है। और अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीट, और वो प्लांट्स भी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम लोग जो चपाती हो गया, जो भी फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं वो कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, ये प्लांट्स से ऑब्टेन हो रहे हैं। वहीं पर जो चिकन है, ये मीट है, ये सब कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, ये एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है। तो ये अब अगर आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हमारा खाने का तरीका, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो ऑब्टेन करने, फूड ऑब्टेन करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। एक डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड कर रहा है, एक एनिमल पर डिपेंड कर रहा है, और तीसरा जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा, तो ये हेटरोट्रॉपिक के हम लोगों ने डिविजन्स कर दिए, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी, जहां पर प्लांट पर एनिमल डायरेक्ट डिपेंड करते हैं, इस तरह के एनिमल्स को हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। तो उसका हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा, कई सारे एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स उन्होंने दिया, काउज, गोट्स, शीप, बुफेलोज, है ना। अब अगर आप पांडा भी देखो यहाँ पर, तो ये जो पांडा है वो भी हर्बीवोर होता है, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स जो कि प्लांट पर डायरेक्ट डिपेंड हैं, डायरेक्ट डिपेंड का मतलब है वो डायरेक्टली प्लांट को एज ए फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं कार्निवोर्स, जहां पर मैंने एग्जाम्पल टाइगर का दिया था जो कि डियर को कंज्यूम कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर प्लांट पर कार्निवोर्स डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली से मेरा क्या मतलब है यहाँ पर? जैसे यहाँ पर मानते हैं प्लांट, है ना, फिर यहां पर आ गया डियर और यहां पर आ गया टाइगर, ठीक है। तो अब टाइगर ने डियर को खाया, तो अब अगर बात करें तो टाइगर की जो डायरेक्ट जो फूड इनटेक है वो क्या है? डियर। लेकिन डियर की क्या है? प्लांट। तो एक तरीके से जो टाइगर है वो प्लांट पे कैसे हुआ? इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात डियर की करें तो डियर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये समझने यहां पर जरूरी है कि जब हम लोग कह रहे हैं कि डायरेक्टली डिपेंड करना और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करना, तो उसका मतलब क्या है। तो यहां पर टाइगर की जो सोर्स थी फूड वो थी डियर, लेकिन डियर किस पर डिपेंड कर रहा था? प्लांट पर। तो अल्टीमेटली टाइगर भी किस पर डिपेंड किया? प्लांट पे, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर डियर को प्लांट्स नहीं मिलेंगे तो वो उनका पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, और जब डियर का पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा तो टाइगर क्या खाएंगे? तो अल्टीमेटली वो भी स्टार्विंग से मर जाएंगे, ठीक है। तो इस अल्टीमेटली यहाँ पर मेन सोर्स फूड की क्या हो गई? प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो हमें यहाँ कार्निवोर्स भी समझने आ गए कि कार्निवोर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो कि और एनिमल्स पर डिपेंड है अपनी फूड नीड के लिए। तो इसमें लायंस आ गए, टाइगर्स, वुल्व्स, ये सारे एग्जांपल आ गए, ठीक है। अब आते हैं ओमनीवोर्स के बाद। तो ओमनीवोर्स की बात करें तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दोनों सोर्स पर डिपेंड कर सकते हैं, प्लांट्स भी इनटेक करते हैं और एनिमल्स भी इनटेक करते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमंस, बेयर, डॉग्स, क्रोज, ठीक है। तो ये सारे जो एनिमल हैं ये ओमनीवोर्स हैं। तो ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? जो कि प्लांट भी खा सकते हैं, एनिमल्स भी खा सकते हैं। तो डायरेक्टली भी डिपेंड कर सकते हैं प्लांट्स पर और इनडायरेक्टली भी डिपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीन टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हर्बीवोर्स क्या होता है, ठीक है। तो ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो था एनिमल्स के अंदर, हमने उसका और जो है डिविजन किया है। तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, इसी तरह प्लांट्स की तरह यहां पर भी कई सारे एनिमल्स का न्यूट्रिशन होगा, जैसे कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी होगा, है ना। जो डेड एंड डिकिंग मैटर पर डिपेंड करते हैं एनिमल्स, वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होगा उनका, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो क्या है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। और हमने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी विद एग्जांपल्स। तो आप जब एनिमल्स को ये एक नॉर्मल एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हो कि आप गूगल करो बहुत सारे एनिमल्स को, अब और उन सारे एनिमल्स को राइट डाउन करो अपनी नोटबुक पर और उनके सामने उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखो कि ये पर्टिकुलर, जैसे कि एलिफेंट है तो वो क्या है, वो
कार्निवोर है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है या हर्बीवोरस है, तो इस तरह कैटेगराइज करो, जिससे हेल्प आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह का एनिमल किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एडेप्ट करता है। ठीक है,